टूटे फुटब्रिज की ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की हैं। यहाँ रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक मालवाहक ट्रक पर ले जाई जा रही क्रेन की चपेट में आने से इस फुट ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटकर ढह गया। हालांकि इतनी गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना के संबंध में ट्रक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि नीचे गिरे मलबे से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया था। हालांकि स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कुछ देर बाद ही सड़क साफ करवा दी गई। वहीं मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि हादसे के दौरान क्या क्या हुआ था। जब हम रोटी खा रहे थे 12 बजे का टाइम में तो आवाज से आई, तो हम तुरंत निकल के आए, रोटी छोड़ के आया तो देखा तो पुल नीचे लटक रहा है। तो बंदा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो एक बंदा ऊपर सो रहा था वो नीचे दौड़ के आ गया। उसके बाद वो डोजर आया, डोजर के ऊपर गाड़ी लटक रहा था, तो फिर भी आज पब्लिक क्रॉस कर रहा है, फिर भी अपना किस वजह से टेढ़ा हुआ है? वो गाड़ी जो आया था क्रेंक, जो क्रेंक का लग गया छत, क्रेंक का छत लग के वो घिसड़ के लेके आ गया। हैवी गाड़ी लगने से? हाँ जी, वो लेके आ गया, एक मिट्टी में रह गया, एक गाड़ी के ऊपर। क्या समय हो रहा था कुछ? ये 12 बजे का टाइम है। 12 बजे जी, बिल्कुल 12 बजे का टाइम। तो फिर उसके बाद वो फिर सहरसा आया, अफसर आया, फिर रोड क्रॉस करा, फिर उसके बाद एक काम हुआ, होने का बाद फिर साइड करा उन्होंने। किसी के चोट वोट लगी? नहीं नहीं नहीं, साहब पब्लिक का कुछ हुआ नहीं, इन लगा शुक्र है किसी का कुछ हुआ नहीं। बस ये साइड में भी हम सारे सो रहे थे, ये कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।